सो गाइस, आज मैं और अवनी आपके लिए चैलेंज लेके आए हैं, दिल्ली स्ट्रीट फूड वर्सेस मुंबई स्ट्रीट फूड। मतलब फेमस स्ट्रीट फूड उठाया है हमने आज दिल्ली और मुंबई का। और गाइस, अवनी के सामने रखा है मुंबई का स्ट्रीट फूड फेमस, और जो आपको अवनी एलैबोरेट करेगी। अवनी, आप बताइए आपके सामने क्या क्या रखा हुआ है। तो गाइस, फेमस स्ट्रीट फूड मुंबई का क्या होता है, ये सबसे पहला नाम क्या आता है हमारे दिमाग में, वो है वड़ा पाव। और ये रहा मेरा यम्मी सा डिलिशियस वड़ा पाव विद एकदम फेमस मिर्चीज, क्योंकि ये मिर्ची और वड़ा पाव का कॉम्बिनेशन ना एकदम परफेक्ट और बेस्ट होता है। जो फ्लेवर आता है ना इसमें, बस्ट ऑफ फ्लेवर्स होता है, बहुत ही यम्मी लगता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, पाव भाजी। और ये रही मेरे पाव एंड यम्मी सी भाजी। और तीसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, जो यम्मी सी एकदम दही और सेव दिख रहे हैं, इसे कहते हैं सेव पूरी। गाइस, इसमें है मेरे सेव पूरी, यमी यमी। और फिर मैं इसको खाऊंगी। और एक और जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती, हैंडी एंड बहुत डिलिशियस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो होती है भेल पूरी। आप देख सकते हो कि इसमें कितना सारा पीनट्स है, फिर उसके बाद मटरी है, और ये जो लाई जिसको कहते हैं, इन सब से मिलके बनती है भेल पूरी, जिसमें बस्ट ऑफ फ्लेवर्स होता है। तो गाइस, मैं बताने वाली हूँ आपको दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। हम शुरुआत करते हैं अपने दिल्ली के बेस्ट स्ट्रीट फूड से, वो है हमारे क्रंची से गोलगप्पे। तो गाइस, ये तो सबको पता होगा कि दिल्ली का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है, वो है गोलगप्पा। और गोलगप्पे के साथ है हमारे दो चटपटे से पानी, ये हमारा मीठा पानी और ये हमारा खट्टा पानी। और इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए है इसके साथ आलू, और ये है हमारी सॉल्ट। और गाइस, जल्दी से आप इस प्लेट पे आइए। ये रखे मेरे फ्लफी से भटूरे, वो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा बड़े हमारे भटूरे हैं। और ये है हमारे यमी से छोले, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, टैम्पटिंग है, डिलीशियस है। मतलब छोलों के सामने ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ क्या क्या बोलना है, यही भूल जाती हूँ चैलेंज क्या है। और गाइस, इसके साथ है ये अचार, और इधर है इसकी सैलेड जिसमें अनियन है, अचार है, और ये चटपटी सी मिर्च है। गाइस, आपको तो पता है कि मैं वाव के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, बट मैंने उसमें एक न्यू रेंज स्टार्ट की है, वो है विटामिन सी की। सबसे पहले मैं आपको फेस वॉश के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे हाथ में है वाव स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश, और इसमें है मलबेरी, विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। और ये हेल्प करता है हमारे स्किन टोन को लाइट और ब्राइट करने में। इट हेल्प फेड एज स्पॉट, इट हेल्प रिड्यूस फाइन लाइन्स। काफी इजी है इसको यूज करना, जस्ट पंप इट और ये ऐसे आ जाएगा। और इसको बहुत इजी हम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, और फेस वॉश करने के बाद हमें काफी फ्रेश फील होता है। आफ्टर फेस वॉश मैं यूज करती हूँ विटामिन सी क्ले फेस मास्क, और इसमें है काकाडू प्लम, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जोजोबा ऑयल, जो हमारी स्किन को काफी ब्राइट करता है, रिमूव करता है डलनेस को, और ये सूट करता है ऑल स्किन टाइप को। और सबसे अच्छी बात है ये स्पैचुला के साथ आता है, हमें अपनी फिंगर यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट आपकी चॉइस है, अगर आपको अपनी फिंगर से अप्लाई करना है फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं। आपको ये अपने फेस पे 15 मिनट अप्लाई करना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना। और उसके बाद मैं यूज करती हूँ विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर, और ये काफी इजी हम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद मुझे काफी फ्रेश और ब्राइट लगती है अपनी स्किन। और इसमें है लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। और उसके बाद मैं यूज करती हूँ विटामिन सी फेस सीरम, और इसपे मेंशन है ये ऑयल फ्री है, इसकी सबसे अच्छी बात है। और इसमें है विटामिन सी, जो हमारे स्किन को काफी ब्राइट करती है और हाइड्रेट रखती है हमारे स्किन को, और ये स्मूथ आउट करता है हमारी फाइन लाइंस को, और हमारे फेस को काफी ब्राइट बनाता है। और काफी इजी है अप्लाई करने में, जस्ट आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है, उसके बाद फिंगर यूज करनी है, और ऐसे मसाज नहीं, जस्ट टैप टैप करना है, एंड दैट्स इट। और लास्ट में मैं यूज करती हूँ विटामिन सी फेस क्रीम, और ये क्रीम काफी स्मूथ है, ऑल स्किन टाइप है, और ये हमारे स्किन को काफी हाइड्रेट फील कराता है, ब्राइट फील कराता है। और सबसे अच्छी बात है ये एंटी एजिंग क्रीम है। दिस फेस क्रीम असिस्ट इन रिवाइविंग एंड एनर्जाइजिंग योर डल स्किन व्हेन अप्लाइड रेगुलरली।
इट हेल्प्स इवन आउट पैचेस स्किन एंड ब्राइटन योर कॉम्प्लेक्स। और गाइस अगर आप विटामिन सी की ये पूरी रेंज यूज करोगे तो काफी अमेजिंग रिजल्ट लगेगा अपने फेस पे। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे फेस काफी ग्लो कर रहा है, ब्राइट कर रहा है। और विटामिन सी की रेंज यूज करने के बाद आपका फेस का टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वाव के सारे प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और इसमें सारे प्रोडक्ट के पीछे ये QR कोड होता है, इसको स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। और सारे प्रोडक्ट नो पैराबिन्स, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल और नो सल्फेट होते हैं और इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं होता है। और वाव के सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं और सबसे अच्छी बात है वाव के सारे प्रोडक्ट ट्रूली मेड इन इंडिया है। और वाव के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं, अपने नियर स्टोर पे भी जाके परचेस कर सकते हैं और आप वाव की ऐप से भी परचेस कर सकते हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। और गाइस इन प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और गाइस दिल्ली की स्ट्रीट फूड का हम चैलेंज कर रहे हैं और हम टिक्की कैसे भूल सकते हैं। ये हमारे सामने रखी है टिक्की और आप देख सकते हैं बड़ी क्रंची सी ये टिक्की है और उसमें काफ़ी दही और जो इसमें खट्टी मीठी चटनी होती है वो सब इसमें मिक्स है। मैं आपको वो तो जब खाऊंगी तब इसका टेस्ट बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस हम अपना चैलेंज शुरू करते हैं और चैलेंज शुरू करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपनी तुम सबसे पहले क्या टेस्ट करोगी? तो सबसे पहले मैं अपनी टेस्ट करूंगी क्रंची सी एकदम यम्मी डिलीशियस भेल पूड़ी और ये बड़ा सा बाइट। इधर भी देना है खाना खाई जा रही है, पूछ भी नहीं रही है। गाइस बहुत टेस्टी है। एक्चुअली मजा तो भेलपूरी का ऐसे ही आता है, पेपर में मिलती है कोन वाले कि बस हाथ में थोड़ी थोड़ी डालो और रोड पे चलते चलते मजे लेते जाओ। इसमें नींबू होता है, बहुत सारी वेजीज होती है, टमाटर, प्याज और कुकुम्बर भी डालते हैं। बहुत यम्मी लगता है। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो इतना ज्यादा यू नो हम लुफ्त उठा नहीं पा रहे अपनी भेलपूरी का। तो दिल्ली की सबसे स्ट्रीट फूड, फेमस स्ट्रीट फूड क्या है गाइस? गोलगप्पे। स्टार्टिंग हम करेंगे अपने गोलगप्पों के साथ। मजा आ गया। तो गोलगप्पे गाइस सबकी जान इसीलिए ही है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रंची होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और टेस्ट तो मतलब उसमें इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है ना। और दोनों जो खट्टे मीठे का पानी का जो टेस्ट है मतलब जो कॉम्बिनेशन है उसका तो क्या जवाब, मतलब मजा आ जाता है गाइस खाने में। और अब मैं नेक्स्ट खाऊंगी अपनी पाव भाजी जो कि मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट डिश है। तो अब मैं पाव भाजी खाऊंगी जो कि मुंबई से ओरिजिनेट होती है। गाइस इतना डिलीशियस है ना भाजी, इतनी सारी वेजीज है उसमें और जो एक बहुत ही खट्टा स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है ना एकदम बैलेंस में, मतलब सुकून सा मिल गया। मैं सच्ची बता रही हूँ बहुत यम्मी है गाइस की वेजीज, सच में बहुत वेल कुक्ड है जिससे इसका टेस्ट ना एनहांस बहुत ज्यादा हो रहा है। और गाइस अब हम खाते हैं छोले भटूरे। कितने क्रिस्पी भटूरे हैं, एकदम आवाज आ रही है इनकी बाइट लेने में भी। यम 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 यम, वाओ सब अपनी अपनी जगह एकदम अति उत्तम है यार। मैं सच बता रही हूँ गाइस इसके छोले सीरियसली बिलीव मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। गाइस छोले बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ गया इसको खा के ना। दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा मसालेदार होंगे, स्पाइसी होंगे, लेकिन नहीं, बहुत ही बैलेंस्ड और यम्मी लग रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी गाइस, ये जो आलू है एकदम स्पाइसी यम्मी आलू, प्रियंका इस आलू के बिना हमारे छोले एकदम इनकम्प्लीट है, मैं सच बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा तीखा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब मैं आती हूँ अपने वापस अपने मुंबई में। तो अब मैं खाऊंगी अपनी यम्मी सी सेव पूरी। आप देख सकते हो कि इसे सेव पूरी क्यों कहते हैं, इसमें बहुत सारे सेव डलते हैं और आप ऑलरेडी देख सकते हो ऊपर से इसमें कितना ज़्यादा भर के डला हुआ है, दही है, बहुत यम्मी मीठी चटनी होती है। और गाइस सेव पूरी मुंबई स्ट्रीट फूड का सबसे फेमस जो है ना वो हमारी सेव पूरी है। आज हमें दोबारा अपनी खाते खाते रात हो गई है। बहुत कमेंट्स आते हैं तुम्हें खाते खाते रात हो जाती। शाम को कुछ नहीं मिला ना तो सेव पूरी भेल पूरी खा लो और आपका मन जो फ्रेश फील करेगा ना एकदम,
बहुत मज़ा आता है उसे खाने में। एक दो क्रिस्पी होता है, बैलेंसली मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता कि मन भर जाए। और फिर उसके बाद भेलपूरी, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो सेव पूरी खाने में ना रिफ्रेशिंग फील होता है, उसमें इतना दही होता है, मज़ा ही आ जाता है। और गाइस, मैं अपना लास्ट फूड खाने वाली हूँ और वो है टिक्की। बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है देखने में, तो अवनी आप भी ट्राई करें। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चटनी डली हुई है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची भी है। टिक्की बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है, इसको खाने में ना मज़ा आ रहा है। क्योंकि गाइस, टिक्की और जो वैसे टिक्की और गोलगप्पे का टेस्ट तभी आता है जब हम बाहर ठेली पे खड़े होके खाते हैं या बाहर स्टोर, स्टोर पे खड़े होके खाते हैं। बट अभी वो टाइम आया नहीं है, जल्दी आ जाएगा, होप सो। तो बट कोई बात नहीं गाइस, इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब मैं खाऊंगी सबसे फेवरेट, मतलब मुंबई का नाम सुनते से जो नाम आता है ना दिमाग में कि ये तो जरूर खाना यार मुंबई जाके, वो क्या है? वो है वड़ा पाव। तो अब हम खाएंगे वड़ा पाव। तो ये है मेरा पाव एंड इसके अंदर आलू का वड़ा, जो आपको पता है कि मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसी में सारा स्वाद होता है। फिर ये चटनी, ये चटनी में इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 60-63 समथिंग फ्लेवर्स स्पाइसेस से ये चटनी बनती है। और इसके साथ ये मिर्ची, ये तो मेरी फेवरेट है, मैं सच बता रही हूँ। और स्पाइसी चीज़ें मेरे को कितनी पसंद है ये तो सभी जानते हैं। तो पहले हमें इसको शेयर करते हैं हम। तो गाइज, मैंने इसको हाफ हाफ करा एंड आप देख सकते हो कि ये जो वड़ा है, वड़ा के अंदर की फिलिंग आलू है, मटर है, एकदम मुंबई वाली फील्स। और अब ये मैं बाइट लूँगी। अब वड़ा पाव नाम के लिए फेमस नहीं है, इसमें लिटरली बहुत स्वाद होता है। ये ऐसी चीज़ है ना कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी एंड यम्मी इक्वल। गाइज, मुझे पता नहीं क्यों वड़ा पाव में ना पूरा मैक पफ का टेस्ट आ रहा है। गाइज देखो, अपना ना अलग अलग टेस्ट होता है, मैं इसको खा रही हूँ और मुझे अपना मैक पफ का टेस्ट आ रहा है पूरा। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अगर मैं चिल्ली की बात करूँ तो अगर मैंने फर्स्ट बाइट इसकी ली थी ऐसे, मतलब बता देती हूँ मैं आपको, और उसके बाद मैंने जब चिल्ली खाई थी, वाओ, सीरियसली वाओ। तो गाइज, ये हमने चैलेंज लिया था कि आज हम फेमस मुंबई स्ट्रीट फूड और फेमस दिल्ली स्ट्रीट फूड करेंगे और आज हम कंपेयर करके एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि सबसे बेस्ट फूड कौन सा है। बट गाइज, नो डाउट दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है और दोनों का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो दोनों इक्वल आ रहा है एकदम। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए, सीधे जाएंगे आप हमारे अकाउंट पे, या ग्रियंका के नाम से मुझे सर्च भी कर सकते हैं। और गाइज, ये बताना तो आप हमें बिल्कुल ना भूलें कि आपको दिल्ली या मुंबई फूड में से कौन सी डिश आपकी फेवरेट है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग से चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।